सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। ये सनुजी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3100 का भी लेवल टच होता नजर आ चुका है। यहाँ पे आपने 3000 के बाद 3100-3200 का लेवल दिया था, 3100 तो अचीव हो चुका है। लगभग 3.5% की तेजी बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या अगले कारोबारी सप्ताह यहाँ से मुनाफा वसूली बनेगी या फिर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती रहेगी और कीमतें और तेजी की ओर जाएंगी? देखिए, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट हम करेंगे वो 3200 तक हम टारगेट कर सकते हैं। 3000 का टारगेट अचीव होने के बाद 3200 की तरफ मार्केट चला है, तो इनिशियली आप 3200 को टारगेट करें। हमें लगता है कि 3200 का ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 3450-3400 तक देखने को मिल सकता है। डिमांड जो है वो काफी अच्छी देखने को मिली है। डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन कपास के भावों में तेजी देखने को मिली है, जिससे खल के भावों में तेजी का रुख रहा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में 3200 लेकर 3450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी,